तो काफी दिन बाद मैं यहाँ फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सबको एक बेहतरीन स्टोरी सुनाने। ये कहानी एक ऐसे कॉन्करर की है जिसने समय को मात दी, पर क्या वो सच में कॉन्करर बन पाया? आप सही अंदाज लगा रहे हैं, ये कहानी कैंग द कॉन्करर की है, क्योंकि एंटमैन एंड द वॉस्ट क्वांटमेनिया मूवी आने ही वाली है जिसमें हमें कैंग दिखेगा। और कैंग के बारे में यूट्यूब पर कुछ ही क्रिएटर्स की वीडियोस हैं जो कि कैंग के बारे में कुछ ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन मुझे लगता है ओरिजिन एंड पावर्स जान लेने से आप किसी कैरेक्टर के बारे में अच्छे से नहीं जान पाते हैं जब तक कि आप उस कैरेक्टर की कोई स्टोरी ना देखें। तो आप सबका प्यार मुझे चाहिए होगा ताकि मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकूं, इस स्टोरी पर मेहनत कर सकूं। आपको अगर ये स्टोरी एंगेज कर सके तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। तो अब कैंग द कॉन्करर की स्टोरी को शुरू करते हैं। समय, जिसके बारे में कहा जाता है कि समय कभी भी वापस नहीं आ सकता। तुम, मैं और बाकी के सभी नॉर्मल इंसान समय के बारे में बस इतना ही जानते हैं, लेकिन हमारी ही धरती पर कुछ जीनियस हैं जो कि कुछ सिद्धांत देते हैं कि समय यात्रा संभव है। इस चीज के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जैसा आज भी हम इंसान नहीं कर पाए हैं। तो कुछ ऐसे भी निकले जिन्होंने टाइम ट्रेवलिंग को लेकर कुछ नॉवेल्स लिखी, कुछ कहानियां लिखी, तो कुछ मूवीज भी बनी हैं इन पर, जिनसे लोगों का खूब मनोरंजन हुआ। पर तुम और मैं ये जानते हैं कि एक दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इस चीज पर भी अपनी महारत हासिल कर लेगा। ये कब होगा ये कोई नहीं जानता। अब मेरी बात पर लोग हंसेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक वैसा है जैसे सदियों पहले लोग चांद पर जाने की बात कहने पर हंसा करते थे, लेकिन आज हकीकत उनके सामने है। आज से लगभग हजारों हजारों साल पहले अलेक्जेंडर नाम का एक राजा हुआ। वो जब दुनिया को विजय करने के अभियान पर दक्षिण एशिया की तरफ निकला तो उसे एक ऋषि मिला जिससे उसकी कुछ बात हुई और वो सिकंदर आगे निकल गया। लेकिन आज वो उसी के पास बैठकर रो रहा था क्योंकि उसे एक सत्य का पता चला था, क्योंकि उस ऋषि ने उसे बताया था कि उसकी दुनिया के अलावा भी ब्रह्मांड में और भी दुनियाएं हैं। पर ऋषि के पूछने पर सिकंदर ने उसे बताया कि ब्रह्मांड में इतनी दुनिया है जीतने के लिए, पर वो एक भी दुनिया को नहीं जीत सका। और अब उसे एक ऐसा रोग हो गया है जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसी निराशा के साथ सिकंदर मर जाता है। पर मैं सिकंदर नहीं हूँ, मैं हूँ नथानियल रिचर्ड और मैं 31st सेंचुरी में जन्मा हूँ। आज मैं 18 साल का हो गया हूँ और मैंने कुछ भी कॉन्कर नहीं किया है। मेरी ये दुनिया प्लेजर और एंटरटेनमेंट से भरी हुई है और मैं उसी का शिकार था, क्योंकि यहाँ 10 साल के बच्चे भी रोबोटिक्स में महारत हासिल कर लेते हैं। पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाया क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा एक चीज़ को खोजने में लगा रहता है। मुझे कुछ और जानना है क्योंकि ज्ञान ही वो समुंदर है जिसमें जाकर सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मुझे पता था कि वर्तमान में मेरा कुछ नहीं है और भविष्य मेरा कैसा होगा। मुझे अपने बारे में इतना तो पता था कि मेरा अतीत मुझे कुछ जानकारी दे सकता है। तब हम देखते हैं कि नथानियल पिछले 2 साल से एक लाइब्रेरी को ढूंढ रहा था जहां जाकर वो अपने पूर्वजों के बारे में और अपने बारे में कुछ जान सकता था। और आज वो दिन आ गया था जब नथानियल को वो लाइब्रेरी मिल गई थी। नथानियल जैसे तैसे उस जगह तक पहुंचता है तो उसे क्या मिला, उसके सामने एक डूमबॉट खड़ा था। क्या नथानियल के पूर्वजों का संबंध डॉक्टर डूम से था? ये जैसे ही पता चल पाता कि तभी वो डूमबॉट नथानियल पर हमला कर देता है। नथानियल डूमबॉट के हमले से जैसे तैसे बचता है और बचकर उस बॉट को आदेश देता है कि वो रुक जाए क्योंकि उसका मास्टर सालों पहले मर चुका है। पर ये क्या, डूमबॉट कुछ रिप्लाई दे पाता उससे पहले ही कोई डूमबॉट को मार देता है। तब हम देखते हैं कैंग को जिसने उस डूमबॉट को मारा था। कैंग ने कहा, संभल कर बच्चे, डूम कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो एक कमाल का इंजीनियर था। जिसके बाद कैंग उस डूमबॉट को 20th सेंचुरी में भेज देता है और कहता है, जाकर अपने मालिक को बताना कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है। और तब नथानियल पूछता है, तुम कौन हो? जिसपे कैंग कहता है, मैं वो हूँ जो अनंत चीजें जानता है जो कि तुम नहीं जानते हो नथानियल। जिस पर नथानियल कहता है, ये कैसा जवाब हुआ और उसे उसका नाम कैसे पता है? जिस पर कैंग कहता है, मुझे तुमसे इतने बकवास क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी, तुम कुछ बेहतर भी पूछ सकते थे। जिस पर नथानियल कहता है, ये विक्टर वॉन डूम की लाइब्रेरी है और मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, यहाँ जानने को सब कुछ है, इसे मैं लंबे समय से ही ढूंढ रहा था, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है मेरे लिए। जिस पर कैंग कहता है, ये किताबें, तुम्हें क्या लगता है इन पन्नों में तुम्हें इतिहास की कौन सी चीज पता चलेगी? ये वो चीजें हैं जिसे किसी और ने लिखा है, पर मुझे तुम ये बताओ कि तुम इतिहास पढ़ना पसंद करोगे या उसे खुद से क्रिएट करना।
इस पर नथानियल कुछ टाइम को रुकता है और कहता है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स मैं दोनों चीजें चाहूंगा। जिस पर कैंग कहता है, इसका मतलब तुम अब रेडी हो। चलो अब तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो। जिस पर नथानियल पूछता है, Who are you? जिस पे कैंग कहता है, इस सवाल के 10,000 से भी ज्यादा आंसर हो सकते हैं। लोग मुझे द कॉन्करर, द इटर्नल, फैरो रामाटूट, द टाइम कीपर, इमोर्टस, इन सब नामों से जानते हैं, लेकिन मैं खुद को कैंग कहकर बुलाता हूँ। और हाँ बच्चे, मैं शुरुआत से तुम ही हूँ। यानी कि ये कैंग किसी और टाइम से अपने पास्ट में खुद से ही मिलने आया है। इसका कारण क्या है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तब कैंग नथानियल से पूछता है, इस डोर के उस तरफ न जाने कितने टाइम हैं, कितने एराज हैं जो मुझे पूछते हैं। कई प्लैनेट्स पर मुझे पूजा जाता है। मैंने न जाने कितनी ही दुनियाओं को जीता है, पर मुझे फिर भी कुछ जगहों पर मिला है तो दुख, निराशा और ट्रॉमा। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आने वाले समय में तुम्हें इन सबसे कैसे निपटना है। तब कैंग नथानियल की तरफ हाथ बढ़ाता है। नथानियल कहता है, ऑल राइट, तो मैं तैयार हूँ। जिसके बाद कैंग नथानियल को लेके वहां से गायब हो जाता है और सीधा लेकर उसे 65 बिलियन ईयर पहले लाता है, जब अर्थ पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। नथानियल हैरिस से पूछता है, ये कौन सा समय है और हम कहाँ हैं? जिस पर कैंग कहता है, ये ठीक हम उस समय से एक साल पहले आए हैं जब ये दुनिया तबाह हो जाएगी। आज से ही एक साल बाद इस जगह को एक एस्ट्रॉइड हिट करेगा, जिसके बाद इस अर्थ से डायनासोर्स का नामो निशान मिट जाएगा। तब नथानियल कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, कि मेरे पास बस एक साल है वो बनने को जो कि अभी तुम हो? ये तो बहुत कम समय है। जिस पर कैंग कहता है, ये तुम्हारा पहला लेसन है बच्चे, कि कैंग के पास टाइम का कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद कैंग द्वारा नथानियल की ट्रेनिंग शुरू होती है। कैंग नथानियल को फुर्तीला होना, सर्वाइवल सिखाना, सब कुछ सिखाता है। और जो चीजें नथानियल को सीखने में दिक्कत करती हैं, जैसे कि तरह तरह के लैंग्वेजेस को सीखना, तो उसके लिए वो उसे एक चिप भी देता है, जिसकी वजह से वो हर किसी की लैंग्वेज सुन और बोल सकता था। नथानियल के लिए कैंग के सिखाए गए लेसन टफ भी हो रहे थे, क्योंकि कैंग उन्हें सिखाने में सख्ती बरत रहा था। कैंग नथानियल को अपने उन टाइम में भी लेकर जाता है जिनमें वो फैंटास्टिक फोर से हार गया था, और उस टाइम में भी जब कैंग अवेंजर से हारा था। कैंग नथानियल को अपनी गलतियां दिखाकर उसे फ्यूचर में वो गलती ना करने के लिए तैयार कर रहा था। कैंग नथानियल को उस समय में भी लेकर गया जहां पर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर कैंग रोना शुरू कर दिया। मैंने इस कठोर से कैंग को पहली बार रोता देखा। वो नशे में धुत था और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन तब उसने एक लड़की को मरते देखा तो उसके एहसास एकदम रियल था, और उसने रोते हुए भी बस एक नाम बोला, रवोना। और जब अगली सुबह कैंग उठा तो उसने अपने सामने नथानियल को देखा। कैंग ने कहा, क्या तुम मुझे वीक समझते हो? क्या तुम्हें मेरे फेलियर पर हंसना आ रहा है? जिस पर नथानियल कहता है, नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो तो मैं। कैंग बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम्हें मैंने आज तक जो भी सिखाया है, तुम्हें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है नेवर लव। तुम्हें अगर एक सही मायने में कॉन्करर बनना है तो तुम कभी भी किसी से भी प्यार नहीं करोगे। नथानियल कैंग के इस रूप से बहुत डर गया था। वो वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी उसे रास्ते में एक डायनासोर मिलता है जो कि कुछ लोगों को खाने की कोशिश कर रहा था। नथानियल अपनी गन निकाल कर कहता है, ऑल राइट, तो अगर मैं कैंग बनने वाला हूँ तो कैंग किसी से नहीं डरता है, और उस डायनासोर को मार डालता है। तब नथानियल अपने सामने एक लड़की को देखता है, जिसे देखकर नथानियल सोचने लगता है, इसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। नथानियल उस लड़की की ओर बढ़ते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम नथानियल रिचर्ड है, क्या तुम मुझे समझ सकती हो? और वो लड़की भी नथानियल की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि वो नथानियल को समझ सकती है, और उसका नाम एडी है। अब नथानियल और एडी मिल चुके थे। एडी का टच नथानियल के लिए ठीक वैसा था जैसे घायल को उसका मरहम मिल गया। तब वो लड़की नथानियल को अपने कबीले में लेकर जाती है और उसे अपने लोगों से मिलवाती है। नथानियल खुद को वहां आउटसाइडर समझ रहा था, और इस वजह से वो थोड़ा परेशान भी था, कि तभी एडी ने उसे एक संत के सामने झुकने को कहा। और तब उस कबीले का संत नथानियल के चेहरे पर राख लगाते हुए कहता है, तुम किसी और समय के लगते हो, क्या तुमने सबको जीत लिया है, या तुम सब जीतने के लिए निकले हो? ये निशान उस क्रिएचर के लिए है जिसको तुमने मारा है, और ये दूसरा निशान तुम्हारे द्वारा हमारे लोगों की जान बचाने के लिए है। और इसके बाद उस कबीले में जश्न होता है, लोग आग के चारों तरफ होकर नाचते हैं। नथानियल भी उनके साथ उस रात के मजे लेने लगता है।
नाचते गाते हुए एडी नथेनियल को अपने कबीले की भविष्यवाणी बताती है कि उसके संत कहते हैं कि तारों की दुनिया से कोई समय को भेदता हुआ यहाँ आएगा और उनकी रक्षा करेगा और जल्दी ही उनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिस पर नथेनियल एडी से पूछता है वो लोग इस सच को जानते हैं कि एक दिन वो सब लोग मर जाएंगे, जिस पर एडी कहती है हाँ। नथेनियल कहता है लेकिन ये सब जानते हुए वो लोग इतने सुकून से कैसे रह लेते हैं। तो एडी कहती है यही तो जीवन की सुंदरता है, ये समुंदर ये तारे हमेशा बने रहते हैं, बस लोग आते और जाते हैं और हम इन्हीं तारों और समुंदरों के बीच की जगह में रहते हैं, इन द स्पेस बिटवीन द स्टार्स। ये सुनकर नथेनियल वहां से भाग जाता है और सीधा अपनी गुफा में पहुंचता है। नथेनियल कहता है सर आपको यकीन नहीं होगा मुझे यहाँ क्या मिला है, यहाँ लोग रहते हैं, उनके पास अपना कल्चर, अपना म्यूजिक, अपनी सिविलाइजेशन है और आप जानते हो उन्हें डांस भी आता है। सर क्या आप जग रहे हो, कैंग कहता है द स्पेस बिटवीन द स्टार्स, यहाँ पर तुम हो बच्चे जो कि नहीं जग रहा है, तुम अलेक्जेंडर और स्टीव के हीरोइक किस्सों में खोए हुए हो, तुम्हें मेरे सिखाए गए चीजों को सीखना होगा कि तुम्हें भावुक नहीं होना है और ये कैंग का ऑर्डर है, तुमने ये अपने चेहरे पर क्या लगा रखा है, इसे मिटाओ अभी फौरन। जिस पर नथेनियल कहता है नहीं, कैंग कहता है उसे ना सुनने की आदत नहीं है। तब नथेनियल गुस्साते हुए कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम वो हो जो डूम से हारे हो, तुम उन फैंटास्टिक फोर से हारे हो और तुम अवेंजर्स और ना जाने कितनों से हारे हो। जिस पर कैंग कहता है और मैं तुम्हें वही सिखा रहा हूँ कि तुम आगे चलकर ये सब गलतियाँ ना करो जो कि मैंने की हैं। नथेनियल कहता है बस मैंने बहुत सुन लिया, ये मेरी लाइफ है और मुझे क्या करना है वो मैं तय करूंगा, तुमने ही कहा था कि समय हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो उसी समय का प्रयोग करके हम इन्हें क्यों नहीं बचा सकते हैं, वो लोग बचाए जा सकते हैं। जिस पर कैंग पूछता है ये सब तुम करना किस वजह से चाहते हो, जिस पर नथेनियल कहता है प्यार की वजह से। ये सुनकर कैंग नथेनियल को एक थप्पड़ मारता है, नथेनियल कहता है मैं उन्हें बचा कर रहूंगा, जिस पर कैंग नथेनियल को घसीट कर लाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे बच्चे क्योंकि आज तुम एक सबसे बड़ा सबक सीखोगे। और इतना कहते ही कैंग अपनी गन से उस पूरे कबीले को नथेनियल की आंखों के सामने खत्म कर देता है। एक बच्चे के लिए इतना सब कुछ देख पाना उसकी मेंटल स्टेट के लिए सही नहीं था, लेकिन ये सब किया भी तो खुद उसके ही बड़े वर्जन ने था। और उस दिन नथेनियल ने एक चीज समझ ली थी कि वो एक पिंजरे में है और उस पिंजरे का नाम है कैंग। उस रात से और अगली कई रातों तक नथेनियल को कैंग के द्वारा किया गया नरसंहार उसे याद आता रहा, उसे एडी की याद आती रही। नथेनियल को जरूरत थी तो बस एक मौके की। एक रात जब कैंग सो रहा होता है तब नथेनियल कैंग के सूट को पहन लेता है। नथेनियल ने कई बार कैंग को उसके सूट को इस्तेमाल करते हुए देखा था। ये वही रात थी जब एक एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाली थी, यानी कि नथेनियल ने अपना एक साल का समय कंप्लीट कर लिया था और जब उसने कैंग का सूट पहना तो उसकी फिटिंग ठीक नहीं आई, लेकिन उसने अपने कंधे पर दो बार थपथपाया और अपनी वॉइस से उस सूट को कमांड किया जिससे सूट अनलॉक हो गया और अब नथेनियल तैयार था उस जगह को छोड़ने के लिए। साथ ही में वो कैंग को भी वहीं पर मरने के लिए छोड़ रहा था क्योंकि कैंग अपने सूट के बिना कहीं भी नहीं जा सकता था और एस्टेरॉयड उस जगह को तबाह कर ही देगा। इस तरह से नथेनियल को दो चीजें मिल रही थीं, पहली कैंग से छुटकारा और दूसरी एडी का बदला। नथेनियल अपने सामने पोर्टल बनाता है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही एस्टेरॉयड धरती पर हिट करता है और ये वही समय था जब डायनासोर का अंत हो गया था। नथेनियल ने भले ही उस सूट को कैंग के द्वारा कई बार यूज होते देखा था लेकिन उसने खुद पहली बार इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए नथेनियल आसमान से किसी टूटे हुए तारे की तरह कहीं और किसी और वक्त में आकर गिरता है। ये समय और जगह नथेनियल के हिसाब से बहुत बेकार थी क्योंकि वो शायद किसी बर्बाद हुई अर्थ पर आ गिरा था जहाँ हर जगह बस रेत और रेत थी। पर जब नथेनियल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो उससे भी बुरी बदतर जगह पर आकर फंस गया है क्योंकि ये जगह इजिप्ट थी और ये वो समय था जब इजिप्ट में रामाटुट का राज हुआ करता था। आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ इन्जॉय कर सकते हैं और खुश रहें।
31st सेंचुरी का नथेनियल अपने सवालों के जवाब जानने के लिए विक्टर वॉन डूम की लाइब्रेरी में गया, जिसे वो 2 साल से ढूंढ रहा था। लेकिन उसी वक्त किसी और समय से कैंग आ पहुंचता है और नथेनियल को वहां से ले जाता है ट्रेंड करने के लिए, ताकि नथेनियल कभी भी वो कैंग ना बने जो कि ये कैंग था। कैंग नथेनियल को एक परफेक्ट कैंग बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने नथेनियल को ट्रेनिंग भी दी। नथेनियल को आदि नाम की लड़की से अट्रैक्शन हो जाता है। कैंग को जब ये हकीकत पता चलती है, तब कैंग आदि और उसके पूरे कबीले को ही खत्म कर देता है। साथ ही में वो नथेनियल को ये सलाह भी देता है कि जब तक नथेनियल सही मायने में कॉन्करर ना बन जाए, तब तक वो किसी से प्यार ना करे। लेकिन नथेनियल को आडी के मर जाने का इतना गम होता है कि एक रात जब कैंग सो रहा होता है, तब नथेनियल कैंग के आर्मर को पहनकर कैंग को उसी समय में मरने के लिए छोड़कर कहीं और निकल जाता है। पर जब नथेनियल किसी और टाइम में पहुंचता है, तब वो क्या देखता है कि नथेनियल इजिप्ट में रामाटूट के राज्य में पहुंच गया है। अब आगे नथेनियल बताता है, ये साल 95 था जब इजिप्ट में 4th एम्पायर का राज हुआ करता था। लेकिन जब वो आया तो उसने उस वंश को खत्म करके कैंग का साम्राज्य बनाया। यहाँ के लोग रामाटूट को गॉड की तरह पूजते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि उसका मैजिक किसी भी गॉड के मैजिक से बढ़कर है। रामाटूट के गार्ड और नथेनियल में फाइट हो जाती है, और जब एक गार्ड नथेनियल को मारने ही वाला होता है कि तभी कोई शख्स उस गार्ड को ही मार डालता है। तब एक आवाज आती है, बेशक तुम पर सन की नजर हो, लेकिन तुम्हें मून ने बुलाया है। तब हम देखते हैं मून नाइट को। मून नाइट नथेनियल को वहां से बचाकर ले जा रहा होता है। नथेनियल रास्ते में कहता है, रुको, तुम्हारा थैंक्स, बट तुम हो कौन और तुम्हें मेरे आने के बारे में कैसे पता चला? जिस पर मून नाइट कहता है, वो हमेशा सच बोलता है। उसने मुझे बताया था कि कोई आकाश से आएगा और वो हम सबको इससे मुक्ति दिलाएगा। तब नथेनियल रामाटूट के अंपायर को देखकर कहता है, ढोंगी कहीं का। रास्ते में नथेनियल मून नाइट से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने इस रामाटूट के बारे में बहुत रिसर्च की है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और इसे गमले में से किसी पौधे की तरह उखाड़ फेंकेगा। तुम जिसके बारे में सोच रही थी वो रीड रिचर्ड है, मैं नहीं। तब मून नाइट कहता है, शांत रहो, तुम अब फॉरगेटन गॉड्स के टेंपल में हो, जिन्हें लोग भूल चुके हैं। तुम अब खोंसू के सामने हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सामने जो भी बोलो सच बोलो। मुझे बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? नथेनियल खोंसू की बड़ी सी मूर्ति देखकर बोलता है, मैं यहाँ उससे भाग कर आया हूँ, क्योंकि वो मुझे झुकाना चाहता था। तब मून नाइट कहता है, तुम्हें अब कोई नहीं झुकाएगा, क्योंकि तुम रवोना के सामने हो, जो बस खोंसू के आगे झुकती है। रवोना नाम सुनकर नथेनियल कहता है, तुमने अभी कौन सा नाम बोला? तब मून नाइट अपना हेलमेट उतारते हुए बोलती है, रवोना द मून नाइट। गाइज, इस टाइम में रवोना मून गॉड खोंसू की अवतार थी। नथेनियल भी अपना इंट्रो देते हुए कहता है, मैं हूँ नथेनियल द लॉस्ट। रवोना ने कहा, कोई भी खोता नहीं है, वो बस अपने रास्ते से भटक जाता है। तुम्हें अपने मन को मून के लिए खोलना होगा और तब देखना कि क्या होता है। नथेनियल खोंसू की तरफ देखकर कहता है, मुझे गॉड्स में यकीन नहीं है, क्योंकि मुझसे ना जाने कितनों की जान गई है। गॉड कहे जाने वाले कितने ही लोगों को मैंने हराया है। मैंने एक बार गॉड ऑफ थंडर की आंखों में भी खौफ देखा है। तब नथेनियल को पिछली बातें याद आने लगती हैं, जिसमें कैंग उसे बताता है कि नेवर लव समवन। उसे आडी के भी ग्लिम्सेस याद आते हैं और कैंग का रवोना को याद करके रोना भी। नथेनियल कहता है, कैंग के आर्मर की वजह से उसकी मेमोरी कैंग से भी जुड़ती जा रही है, जैसे वो उसकी नसों को चीर कर रख देगी। नथेनियल को कैंग के द्वारा पीटना, उसका टॉर्चर भी याद आता है। ये सब याद करते हुए नथेनियल का न्यूरोकॉटिक आर्मर बदल कर आयरन मैन के आर्मर की तरह सूट में हो जाता है। नथेनियल कहता है, मैं कसम खाता हूँ रवोना कि मैं वैसा हीरो बनूंगा जैसा तुमने सोचा था। जिसके बाद नथेनियल आयरन लैड बनकर मून नाइट के साथ रामाटूट के अंपायर को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। नथेनियल कहता है, उसका जन्म एक बोरिंग दुनिया में हुआ था, लेकिन आज उसका सफर एडवेंचर की तरह शुरू हुआ है। उसने रवोना के साथ तब हंसना सीखा जब उसे लगा कि ये उसका अंतिम समय हो सकता है। मैं जब छुपता फिर रहा था, तब मैंने विद्रोह करना सीखा और उसमें खुशी ढूंढी। रवोना और नथेनियल एक दूसरे के साथ इस सफर में काफी खुश लग रहे थे। दिन बीतते जा रहे थे। एक शाम रवोना नथेनियल से पूछती है, क्या तुम्हें आसमान से गिरने के पहले का कुछ भी याद है? जिस पर नथेनियल ने कहा,
हाँ, मुझे सब याद है कि मैं किस दुनिया से आया हूँ, वहाँ मेरा क्या मकसद था, और तब मुझे कैंग मिला। उसने मुझे वो सब दिखाया जो भी मैं आगे करने वाला हूँ। ये सब जानना कितना बुरा होता है कि आप आगे क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी कुछ और ही है। जिस पर रघुना कहती है, मैं मानती हूँ कि डेस्टिनी के बिना लाइफ मीनिंगलेस है। मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं याद है सिवाय इसके कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे खोंशु के हवाले कर दिया था। जिस पर नथेनियल पूछता है, क्या तुम्हारा नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया या फिर तुम्हारे गॉड ने? जिस पर रवोना कहती है, ये मेरा नाम है और इसे मैंने मेरे लिए दिया है, लेकिन मुझे गॉड ने तुमको दिया है। दो जवान लड़का लड़की आमने सामने थे। नथेनियल ने कहा, मैंने ये आज तक नहीं किया है। रवोना ने भी कहा, मैंने भी नहीं। इस पल में नथेनियल सोचता है, कैंग ने कहा था नेवर लव, जब तक तुम कॉन्करर ना बन जाओ। वो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता है। मैं श्योर हूँ कि वो नफरत पसंद आदमी है। नथेनियल की किस्मत ठीक उस ओर ही जा रही थी जिस तरफ कैंग के गई थी। जब आप जवान होते हो तब ये बहुत कठिन हो जाता है उसके बगैर रहना, जिसके बारे में आपको ये लगता है कि वो बस उसके लिए ही जन्मा है। प्यार इंस्पायर करता है जबकि नफरत नफरत गुस्से को जन्म देती है। एंगर को शांति के साथ काबू किया जा सकता है। प्यार भले ही अंधा होता है लेकिन नफरत एक पैरासाइट की तरह होती है जो कि इंसान को अंदर से ही खोखला बना देती है। जब ये दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोर की रोशनी होती है और हम क्या देखते हैं कि रामाटूट इन दोनों की तलाश करता हुआ उन तक पहुँच चुका था। रामाटूट के सामने नथेनियल और रवोना को बंदी बनाकर पेश किया जाता है। रामाटूट ने कहा, तुम कौन हो जिसने मुझे चुनौती दी है? मेरे साम्राज्य को 1000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं लेकिन तुम जैसा विद्रोही मैंने आज तक नहीं देखा। एक मिनट, जरा इस सुंदरी को तो देखने दो। गार्ड्स, इस लड़की को पकड़कर मेरे मनोरंजन कक्ष में डाल दो। रवोना गुस्से में कहती है, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। जिस पर रामाटूट कहता है, वो तो तुम तब नोचोगी ना जब तुम पर तुम्हारी मर्जी चलेगी। इतना कहते ही रामाटूट रवोना पर अपनी अल्ट्रा डायोड रे गन से अटैक करता है। ये कैंग का वो हथियार है जो सामने वाले की इच्छा को न्यूट्रलाइज कर देता है और वो शख्स सिर्फ वही करता है जो कि कैंग कहता है। नथेनियल गुस्से से भर जाता है और आयरन लैड बनकर रामाटूट से कहता है, अब बस भी करो ढोंगी नथेनियल। रामाटूट ने जैसे ही ये नाम सुना वो एक सेकंड को चौंक गया, पर उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने कौन खड़ा था। रामाटूट ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे अपनी पिछली यादों में से उसका ये किस्सा याद नहीं आ रहा था। ये किस तरह का डाइवर्जेंट है? कहीं तुम उसके ही वेरिएंट तो नहीं हो, किसी और टाइम से आए हुए? ये कितना फैसिनेटिंग है अपने ही आप से मिलना। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अगर तुम्हें मार दूं तो ये मुझे नुकसान नहीं करेगा? इस पर नथेनियल कहता है, लेकिन तुम इतना जान लो कि जिस पल तुम्हारी छुरी मेरी गर्दन पर होगी उसी पल उसकी गर्दन पर भी छुरी होगी। जिस पर रामाटूट कहता है, ओप्स, मतलब तुम्हें जिंदा रखना होगा। लेकिन 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 एक ही समय पर दो नथेनियल नहीं हो सकते। और इतना कहते ही रामाटूट नथेनियल पर भी अपने अल्ट्रा डायोड रे गन से हमला करते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक नई पहचान दूंगा और तुम्हारा इस्तेमाल अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए करूंगा। मेरा एक सेवक बनाकर मैं तुम्हारे आर्मर का फायदा उठाऊंगा अपने मकसद को अंजाम देने के लिए, मेरे सेंचुरियन। इस तरह से नथेनियल अब रामाटूट का गुलाम सेंचुरियन बन चुका था, जिसको रामाटूट ने एक दूसरे साम्राज्य पर हमला करने के लिए भेज दिया। ये वो राज्य था जिसने रामाटूट को सबसे ज्यादा चुनौती दी थी। लोग इसे एनसवानूर का साम्राज्य कहकर बुलाते थे। ये वही एनसवानूर है जो कि बाद में अपोकोलिप्स के नाम से जाना गया। सेंचुरियन बनने के बाद नथेनियल रामाटूट के गुलाम बन चुका था। वो एनसवानूर की सेना पर टूट पड़ा। ये जंग कई हफ्तों तक चली। इस जंग में नथेनियल ने अपने डर को देखा। अपने दिल की धड़कनों के साथ ताल मिलाते हुए उसने हजारों सोल्जर्स की जानें ले ली। वो खुद कॉन्करर तो नहीं बना था लेकिन उसका सफर शुरू हो चुका था। प्यार ने उसको अंधा बना दिया था। उसे अब आगे बढ़ना था। उसके लिए उसकी बॉडी जेल और उसका आर्मर पिंजड़ा बन चुका था। इसलिए उसे जरूरत थी इन दोनों को ही तोड़ने की। तभी एनसवानूर का फाइटर सेंचुरियन पर जबरदस्त हमला करता है जिससे सेंचुरियन बेहोश हो जाता है। और जब सेंचुरियन जागा तब उसके सारे सैनिक मारे जा चुके थे। उसे नहीं पता था कि वो कितने समय तक बेहोश था। उसे चाहिए था
तो बस बदला, नथैनियल को रामाटूट से अपना बदला लेना था। पर जब नथैनियल रामाटूट के महल पर गया तो उसने क्या देखा, रामाटूट का साम्राज्य, उसका महल सब तहस नहस हो चुका था। उसने वहां की रेत में धंसते हुए मलबे में रवोना को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसे कहीं ना मिली। नथैनियल को यह समझते देर नहीं लगी कि वो लंबे समय तक बेहोश था, और उसके बेहोशी के समय में रवोना की भविष्यवाणी के हीरोज ने आकर इजिप्ट में उन लोगों को रामाटूट के साम्राज्य से छुटकारा दिला दिया था। लेकिन नथैनियल जानता था कि रामाटूट मरा नहीं था, वो किसी और टाइम में भाग चुका था, इसलिए उसे अपना बदला तो पूरा करना ही था। और अब उसके आर्मर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो उसका यूज करके किसी और टाइम में वापस चला जाए। इसलिए नथैनियल इजिप्ट के रेतीले रेगिस्तान में किसी ऐसे से मदद लेने चल पड़ा जिसे खुद रामाटूट से बदला चाहिए था। तब नथैनियल एक ऐसे शख्स के दरबार में उससे झुककर कहता है, ये हम दोनों ही जानते हैं कि हमारा दुश्मन एक ही है और वो मरा नहीं है, वो बस छुपकर भाग गया है। तुम्हारी पावर्स और मेरी विजडम अगर एक हो जाए तो हम दोनों ही मिलकर उस गैंग को हरा सकते हैं। तब हम देखते हैं एनसबा नूर यानी कि अपोकलिप्स को, जिससे मदद लेने के लिए नथैनियल उसके पास आया था। तो क्या अपोकलिप्स नथैनियल की मदद करेगा, क्योंकि नथैनियल ने ही अपोकलिप्स की आर्मी को हैवी डैमेज पहुंचाया था। ये सब सवालों के जवाब तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। अब तक हमने देखा नथैनियल कैंग से बचना चाह रहा था, इसलिए उसने कैंग को सोता छोड़कर किसी और टाइम में भाग गया। उसे लगा कि अब उसे कैंग से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन नथैनियल की डेस्टिनी कुछ और ही थी। वो एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जहां कैंग रामाटूट बनकर इजिप्ट का गॉड बना बैठा था। रामाटूट के गार्ड जैसे ही नथैनियल को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी मून नाइट उसे आकर बचा लेता है। बाद में यह पता चलता है कि इस टाइम में मून नाइट कोई और नहीं बल्कि रवोना थी। रवोना को देखकर नथैनियल को उससे प्यार हो जाता है और इस तरह से दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। लेकिन जब किस्मत खराब हो तो मिलन अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि तभी रामाटूट के लोग नथैनियल और रवोना को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद रामाटूट नथैनियल को अपोकलिप्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और जब नथैनियल लौटकर आया तब तक रामाटूट भाग चुका था और रवोना वो भी मारी जा चुकी थी। अब आगे कहानी की शुरुआत अपोकलिप्स के शब्दों से होती है, बच्चे मुझे ध्यान से सुनो, उस समय के भगोड़े ने हम दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है, वो हम दोनों का ही दुश्मन है और इसलिए तुम मुझसे मदद मांगने आए हो, और मैं तुम्हारी मदद भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम उससे मार कर मेरा और अपना बदला लोगे। एन सवानूर इतना कावड़ नहीं है जो छुपता फिरे, लेकिन समय यात्री से निपटना उसके लिए मुश्किल है। क्या तुम इन सब के लिए रेडी हो बच्चे? जिस पर नथैनियल कहता है, हाँ अब तुम जल्दी से इसे शुरू करो। अपोकलिप्स नथैनियल को एक सार्कोफेगस में बंद कर देता है। ये वही ताबूत है जिसमें लंबे समय तक किसी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जा सकता था। नथैनियल ने कहा, कैंग के पास वो शक्ति थी जो किसी के पास नहीं थी, उसे टाइम ट्रेवलिंग आती थी। मेरा सूट में इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि इसे मैं यूज कर सकूं, और ना ही एन सबानूर के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो कि मुझे कैंग के टाइम में भेज दे। लेकिन मैंने कैंग के साथ वो समय देखा था कि जब कैंग एक बार फिर से अर्थ पर आया और उसका मुकाबला अवेंजर से हुआ, इसलिए मैंने अपोकलिप्स से खुद की बॉडी को उस समय तक प्रिजर्व करने की गुजारिश की ताकि जब कैंग आए तो मैं उस रामाटट से अपनी रवोना का बदला ले सकूं। मैं टाइम ट्रेवलिंग नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये लंबा रास्ता चुना और मैं इस तरह से कई ईयर्स तक उस सार्कोफेगस में सो गया। ये बहुत लंबा समय था और इस तरह दिन महीने और साल बीतते गए, और जब वो दिन आया तब मेरा ताबूत अपने आप खुल गया। पास ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं लगा कि मैं उस ताबूत से कब निकलकर बाहर आ चुका। मैंने एक गाड़ी चुराई, उसे बेचकर अपने लिए कुछ सामान खरीदा, जिसके बाद मुझे तैयार होना था उस रामाटट से अपना बदला लेने के लिए। मुझे कैंग के रूप में एडी की भी याद आई
एडी और रवोना दोनों की ही आंखें एक जैसी थीं और इनकी यादों को मैंने अपने चेहरे पर सजा लिया। यहाँ एक फुंतरू रखा था जिसे लोग रेडियो कहते थे, उस पर किसी जे जोना जॉनसन की बकवास चल रही थी, पर तभी उसने कहा कि आसमान में कोई यूएफओ जैसी चीज प्रकट हुई है जिससे अवेंजर्स निपटने गए हैं। मैं जानता था कि इस शिप में कौन था, इसलिए मैं अपने मिशन पर चल दिया। अवेंजर्स के नाम मेरे सिर में हमेशा से ही गूंजते रहते थे, थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, जायंट मैन, ये सब वो हीरोज हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो कैंग को हरा देंगे। हाँ, वो एक टाइम पर कैंग को जरूर हरा देंगे, लेकिन मैं इसका अंजाम जानता हूँ। ये जैसे ही कैंग को हराएंगे वो टाइम में फिर से भाग जाएगा, लेकिन इस कैंग के साथ लड़ाई में किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं गया, ये मेरे लिए अच्छा था। तब हम देखते हैं नथानियल छुपके से कैंग के शिप में घुस जाता है। वहीं थॉर कैंग से कहता है, कैंग तुम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मेरे उरू से बने हथौड़े से नहीं बच पाओगे। कैंग अवेंजर से लड़कर बुरी तरह थक चुका था और जैसे ही उसे लगा कि थॉर उसे मार देगा, कैंग ने अपनी शिप को कमांड किया, शिप यहां से भाग चलो। लेकिन तभी कैंग के पीछे से एक आवाज आई, फिर किसी और टाइम में भाग कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि नथानियल की थी, जो अवेंजर्स और कैंग की लड़ाई के दौरान कैंग के शिप में घुस चुका था। नथानियल ने आगे कहा, तुम्हारे लिए टाइम बस एक खेल है, जैसे तुमने इजिप्ट के टाइम में जाकर किया। तुम वहां से फिर से भाग गए और अलग अलग टाइम में घूमते रहे, और आज भी तुम वही कर रहे, टाइम में वापस से भाग रहे हो। कैंग की शिप वहां से जाने को रेडी थी। कैंग ने कहा, कैसे तुम यहां तक पहुंचे कैसे, क्योंकि टाइम मशीन तो तब बनी थी जब मैं 23 का हो गया था। टाइम मशीन का इन्वेंशन भी इस साल नहीं बल्कि 4000 ईयर में हुआ था, पर तुमने कैसे इस पर मास्टरी हासिल कर ली, तुम आखिर चीज क्या हो, मेरा कोई पूर्वज? तब नथानियल ने कहा, मैं वो हूँ जो तुमने मुझे बनाया है, तुमने मुझे सेकेंड चांस दिया और आज तुम उस पर पछताने वाले हो। जिस पर कैंग ने कहा, तब तो तुमने मुझे धोखा दिया है छोटे कैंग। नथानियल ने कहा, तुमने इजिप्ट में जो किया वो तुम भूल गए, तुमने मुझसे मेरी रवोना को छीन लिया, उसका इन सब में क्या कसूर था? लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मैं रवोना का वो हीरो जरूर बनूंगा जो वो चाहती थी, और आज मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी सारी विक्ट्रीज को टाइमलाइन से इरेज कर दूंगा। तब कैंग ने कहा, और फिर क्या करोगे? तब नथानियल ने कहा, मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी शिप ले लूंगा और टाइम में वापस जाकर मैं तुम्हारी जगह लूंगा और मेरी रवोना को मरने से बचाऊंगा, जिसके बाद मैं उसके साथ सुकून से रहूंगा बिना किसी वर्ड को कॉन्कर किए, एक अनकॉन्कर्ड लाइफ। जिस पर कैंग ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो बच्चे, तुम मुझे मार कर एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दोगे जो कि टाइम स्ट्रीम में किसी जहर की तरह फैल जाएगा। जिस पर नथानियल ने कहा, कैंग के लिए टाइम कुछ नहीं है, पर तभी कोई तीसरी आवाज आती है, तुम्हें जल्दी ही ये भी पता चल जाएगा कि डूम के लिए कैंग कुछ भी नहीं है। तब हम देखते हैं कि डूम वहां पहुंच गया था। डूम को देखकर नथानियल ने डूम से कहा, मैं नथानियल हूँ, मैंने ही तुम्हारी लाइब्रेरी ढूंढी थी। जिस पर डूम ने जवाब दिया, तुम कौन हो, ये डूम को अच्छे से पता है, तुम्हारी लापरवाही का ही नतीजा है कि आज तुम मरने वाले हो। कैंग ने कहा, पास्ट के फ्यूचर से आया असासिन और फ्यूचर के पास से आया एक बच्चा, ये आज मेरी शिप पर चल क्या रहा है? डूम, तुम मेरे डेटा के हिसाब से मेरे किसी दूर के पूर्वज हो, लेकिन ये भी काफी नहीं होगा कि मुझे तुम्हें मारने में रोक सके, तुम्हें लगता है कि तुम कैंग को मार दोगे तो कैंग मर जाएगा, लेकिन कैंग ही फ्यूचर है। और इस तरह उस शिप में फाइट होने लगती है। कैंग अवेंजर्स के साथ लड़कर वैसे ही काफी वीक पड़ चुका था। नथानियल जो कि कैंग को मारना चाहता था, और डूम जो कि नथानियल और कैंग दोनों को मारने वाला था। कैंग ने नथानियल से कहा, अगर हम दोनों यूनाइट नहीं हुए तो ये हमें मार देगा। नथानियल के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने कैंग के साथ एक डील की। डूम ने कहा, कैंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब नथानियल और कैंग मिलकर डूम पर ही हमला कर देते हैं। डूम एक साथ दोनों को आसानी से नहीं हरा सकता था, लेकिन तभी कैंग और नथानियल ने मिलकर डूम को एक पोर्टल से किसी और टाइमलाइन में फेंक दिया। डूम के जाते ही नथानियल ने अपनी गन कैंग पर करते हुए कहा, डूम ने सही कहा था कि कैंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं जानता हूं कैंग, डूम के जाते ही तुम मेरे साथ क्या करोगे, लेकिन कैंग योर टाइम इज डन नाउ। इतना कहते ही नथानियल कैंग को गोली मार देता है। कैंग नीचे गिर जाता है। उसने कहा, ये तुमने क्या किया बच्चे, तुम कैंग को नहीं मार सकते, कैंग हमेशा जिंदा रहेगा।
लेकिन नथेनियल कैंग को तब तक गोली मारता रहता है जब तक कैंग मर नहीं जाता। उसने कैंग पर अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली कर दी, जिसके बाद वही हुआ जो कि नथेनियल ने सोचा था। उसने कैंग की शिप चुराई और टाइम में वापस पीछे गया, रामाटूट के जस्ट आने से एक दिन पहले। उसने इजिप्ट में रामाटूट की जगह ली और इंतजार किया रवाना के आने का। वो इस बार रामाटूट बनकर रवाना को जीने देना चाहता था, जो कि उसने नथेनियल के बने रहते नहीं कर पाया। पर जब रवाना मेरे सामने आई, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे उससे वाकई में प्यार है तो उसे आज़ादी देनी होगी, और मैंने उसे वो आज़ादी दी भी, लेकिन मैंने नथेनियल को अपने लिए रख लिया क्योंकि अपोकलिप्स की जंग मेरे दरवाजे पर आ चुकी थी। मैं जानता था कि आज नहीं तो कल रवाना मेरे प्यार को समझेगी, इसलिए मैंने उसे इस जंग से दूर किसी सुरक्षित जगह पर भेज दिया ताकि टाइम के किसी हिस्से में मैं उसे दोबारा मिल सकूं। पर यह सब इतना जल्दी हुआ कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। फैंटास्टिक फोर वहां आ चुके थे। मुझे लगा कि मैं तैयार था, पर होनी को कोई भी नहीं टाल पाया और मुझे उनसे हारना पड़ा, जिस पर मैंने वही किया जो रामा टूटने किया था, भागना। मैं वहां से किसी और टाइम में भाग गया। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं कहां जा रहा हूं, बस मैं भाग गया और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जो कि जंग की आग में झुलस रही थी। जब मेरा ताबूत खुला तब मेरे सामने एक हाथ आया और इस तरह से टाइम ने मुझे एक सरप्राइज दिया, क्योंकि मेरे सामने उस टाइम की रवाना खड़ी थी। गाइज, क्या इस टाइम के रवाना नथेनियल को मिल सकेगी, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के इस इशू में एक बात तो पता चली कि कैंग डूम का ही दूर का वंशज है। इसके बारे में बस टीस किया गया है। कैंग का डूम से एग्जैक्टली क्या रिश्ता है, इस पर क्लियरिटी नहीं आई है और ये अब तक की किसी भी कॉमिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है। लेकिन फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा इवेंट आएगा जिसमें डॉक्टर डूम और कैंग का रिश्ता क्या कहलाता है ये पता चलेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लेना, मेरे नोटिफिकेशंस आपको दिन भर परेशान नहीं करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। तक हमने देखा नथेनियल एंसावानूर की मदद से उस समय तक सरकोफेगस में सेफ रहा जब तक कि अर्थ पर दोबारा कैंग नहीं आ गया, और जब कैंग आया तब नथेनियल चुपके से कैंग की शिप में घुस गया। नथेनियल कैंग से अपना बदला लेना चाहता था और उसने कैंग को मार कर कैंग की शिप की मदद से वापस से इजिप्ट में पास्ट में चला गया ताकि वो खुद रामाटूट बनकर रवाना को बचा सके। उसने रवाना को सेव किया लेकिन उसे फैंटास्टिक फोर की वजह से भागना पड़ा। पर जिस टाइम में कैंग पहुंच गया था उसका सामना फिर से एक बार रवाना से होता है। अब आगे ये प्लेनेट अर्थ था और समय 4086। कैंग अपने सामने रवाना को देखकर हैरान था। रवाना ने भी पूछा कि ट्रेवलर को उसका नाम कैसे पता था, जिस पर नथेनियल कहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और समझाना थोड़ा इम्पॉसिबल। जिस पर रवाना ने कहा तब तो तुम्हें यहाँ से ले जाकर बचाना होगा, नहीं तो अर्बालिस्ट तुम्हें खत्म कर देंगे। नथेनियल ने कहा क्या यहाँ कोई सेफ हाउस होगा, रवाना पूछती है क्या। अरे सेफ हाउस, कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम सेफ हों। तब रवाना कहती है यहाँ आसमान कैंसर की तरह जल रहा है, हवा में एसिड फैला है और मिट्टी बंजर हो चुकी है। वहाँ पर तुम्हें अपने लिए सेफ्टी सूट मांगना चाहिए, ना कि अपने नहाने धोने की कोई जगह। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने इन कोमल हाथों से किसी को मार भी पाओगे। तब नथेनियल अपनी गन से पास की चट्टान को शूट करके उसे फोड़ देता है और कहता है मुझे किसी को मारने के लिए हाथों की जरूरत नहीं है, चलो अब कुछ कपड़ों का इंतजाम करते हैं। जिसके बाद नथेनियल हमें बताता है ये प्लेनेट बंजर हो चुका था, जिसे इन्हीं के लोगों ने किया था। ये दुनिया कभी न खत्म होने वाली जंग में झुलस रही थी। मैंने क्रिएचर को मार कर उसकी कॉस्ट्यूम पहनी। यहाँ ज्यादा कुछ तो ठीक नहीं था सिवाय कि हम एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते थे। मुझे कई बार लगा कि रवाना शायद मेरे दिमाग का वहम है, पर नहीं, ये सच में है। हमने वहाँ के कीड़े को पकाकर अपना डिनर किया। मैं उसके साथ एक बार फिर से था, जिसे मैंने 6000 साल पहले खो दिया था। ये जगह भले ही नर्क थी, लेकिन रवाना के साथ मेरा स्वर्ग था। मैं ऐसी दुनिया के बारे में हमेशा सोचता था जहाँ मैं रवाना के साथ रह सकूं दुनिया के अंत तक। मैंने रवाना से एक बार पूछा था कि वो यहाँ कैसे है, उसकी फैमिली कहाँ है,
जिस पर उसने बताया कि उसे अपनी किसी भी फैमिली के बारे में नहीं पता सिवाय इसके कि वो आसमान से आकर गिरी थी, जिसके बाद हम अरवालेस्ट के लोगों को मारते हुए इस तरह की कॉन्क्वेस्ट चलती रही। तभी नथैनियल किसी को मारकर कहता है वाओ, जिस पर रवोना कहती है क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा है। नथैनियल ने कहा इन्हें मारकर, नहीं नहीं मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, बल्कि मैं तो तुमको देखकर वाओ बोला था, तुम बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू। तब से जब से ये धरती हरी भरी थी और तब तक करूंगा जब तक ये दुनिया का अंत नहीं हो जाता। तब रवोना नथैनियल को दूर करते हुए कहती है नथैनियल तुम उस दुनिया से आए हो जहां सब कुछ हरा भरा था और आसान था, और यहां आकर तुमने सबसे पहले मेरा फेस देखा। तुम ऐसा समझते हो जैसे कि यही अंत है, लेकिन ये बस एक मोमेंट है। यहां अरबालेस्ट को मारोगे तो कोई और खड़ा होगा और लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, शायद हम भी इस चीज में मारे जाएं। तुम्हारे लिए ये दुनिया बर्बाद हो सकती है। नथैनियल ने कहा रवोना प्लीज ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, हम कहीं और जाकर भी रह सकते हैं सुकून से। जिस पे रवोना कैंग का हाथ अपने शोल्डर से हटाकर उसे फेंकते हुए बोलती है नहीं, तुम यहाँ जब से आए हो यहाँ की टेक्नोलॉजी समझ रहे हो, तुम्हें भले ही इस फेस से प्यार हो लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं खुद को बिलोंग करती हूँ और आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं। नथैनियल का दिल एक बार फिर से टूट चुका था, वो सोचता है कैंग ने कहा था नेवर लव, जैसे ये कोई चॉइस थी। नथैनियल अपने हाथ पर लगा खून देखते हुए सोचता है फाइन अगर ये चॉइस है तो मैं मेरे दिल और कॉन्क्वेस्ट के बीच में कॉन्क्वेस्ट को चुनूंगा। जिसके बाद नथैनियल अपनी कॉन्क्वेस्ट पर निकल पड़ता है। वो कहता है मेरी आर्मी अनट्रेंड अनप्रोफेशनल और निर्दयी थी, वो किसी को भी मारने में एक बार भी नहीं सोचती थी। आप एक गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास तब दिला पाते हैं जब आप में चाबुक पकड़ने की हिम्मत होती है। नथैनियल ने वहां जमकर नरसंहार मचाया, उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे बस दो चॉइस दी, या तो उसे ज्वाइन कर ले या फिर मारा जाए। ये दुनिया भले ही कबाड़ थी लेकिन इसी कबाड़ में कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी पड़ी थी और टेक्नोलॉजी को मैं बेहतर तरीके से जानता था, इसलिए मैं उसमें लग गया। एक दिन मुझे एक मशीन दिखी, एक बड़ी सी मशीन जिसे यहाँ के लोगों ने ही इन्वेंट किया था। ये एक टाइम मशीन थी। जब मैंने इसमें कुछ सुधार करके इसे स्टार्ट किया तो इसमें से कुछ आवाज निकली जो कंग 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 कर रही थी, और तब मैं बना नथैनियल से कैंग, यानी कि नथैनियल ने खुद को कैंग नाम इसलिए दिया क्योंकि उस मशीन से निकलने वाले साउंड कुछ उस तरह से आवाज कर रहे थे, जिसमें नथैनियल को कैंग साउंड समझ आया। कैंग अपनी सेना के साथ खुद के सफर पर 100 इयर्स के लिए निकल गया। कैंग बताता है मैंने आर्थर को हराया, तब वो किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि किसी बच्चे की तरह मेरे सामने रोया, कॉस्मोसियंस को हराया जो कि खुद को क्वांटम टाइम में सेफ फील कर रहे थे, एक ऐसे बंदे को भी हराया जो खुद को कैंग कहता था। मैंने कई प्लैनेट्स को विजय किया और कुछ बार तो मैंने अपने ही वेरिएंट्स को हराया, पर इन सब ने मुझे विक्ट्री तो दी लेकिन सुकून वो मुझे कहीं नहीं मिला, और मैं वापस से अपनी उसी दुनिया में वापस आ गया जहां से मैंने अपनी इस कॉन्क्वेस्ट की जर्नी को शुरू किया था, जहां मेरे नाम की गूंज हर जगह थी, जहां मेरा नाम किसी गॉड से कम नहीं था। आज मैंने वो कर दिया था जो कि मूर्ख अलेक्जेंडर नहीं कर पाया था। पर जैसे ही कैंग आया उसको किसी ने कहा झुको फ्री की लास्ट प्रिंसेस रवोना के सामने। मेरे महल पर अब रवोना का कब्जा था, मैंने उसकी ओर अदब से देखा, हाँ ये वही थी। कैंग ने कहा तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, किसी भी इंसान की उम्र इतनी लंबी नहीं होती है। रवोना ने कहा नहीं टायरेंट मैं अब तक तो नहीं मरी। कैंग ने कहा तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम मुझे नहीं जानते। उसका चेहरा थोड़ा अलग था पर उसकी आंखें वही थीं। रवोना ने कहा तुम ठीक समझे मैं तुम्हें नहीं जानती। कैंग के आर्मी के जनरल ने कैंग से पूछा माय लॉर्ड क्या हम नेगा बैटरीज का यूज करें, जिस पर कैंग ने जंग ना करने को ऑर्डर दिया। ये वही थी अपनी सेम सोल के साथ, मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ, ये जिंदा कैसे है, लेकिन ये वही थी मुझसे कैंग ने कहा था नेवर लव, मैंने इसे खो दिया था और आज ये फिर से मेरे सामने है। मैं वो स्टोरी जानता था जो कि मुझे कैंग ने तब सुनाई थी जब वो सबसे ज्यादा नशे में हुआ करता था। एक औरत जो कि उससे नफरत करती थी वो कैंग के ही किसी गद्दार के द्वारा मारी जाती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था,
और इसलिए वो मुझे सुधारना चाहता था ताकि मैं वो गलती ना करूं जो कि उसने की थी। मैं हूं ही इसलिए ताकि मैं बेहतर बन सकूं। जिसके बाद कैंग ने ओमनी व्यूअर बनाया जिसमें वो हर टाइम में रवोना को देखने लगा ताकि वो रवोना की गुत्थी को सुलझा सके और वो कर सके जो कि कैंग नहीं कर पाया था। मेरे सिपाही जंग मांग रहे थे, उन्हें जंग का नशा जो हो चुका था। बेवकूफ थे वो लोग जो ब्रह्मांड के इस नेक्सस को नहीं समझ पा रहे थे। एक औरत जो कि मुझे इजिप्ट में मिली थी, उसकी आंखों में मेरे लिए एक आग थी। फिर एक औरत जो मुझसे इस प्लेनेट पर 100 साल पहले मिली, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत। और अब जो ये मुझे मिली है, इसकी आंखें भी सेम। और यही वो चीज है जिसे मैंने अपने हर टाइम में अपने लिए मांगा था। फिर तब मैंने डिसाइड किया, मैं उसे जीतूंगा, अपनी विक्ट्री से नहीं बल्कि उसके प्यार से। मेरे जनरल ने मेरे ही खिलाफ विद्रोह कर दिया और इसलिए मैंने हीरोज की तरह अपनी साइड चुनी। मैं रवोना के साम्राज्य को अपने ही जनरल बेलटेक से बचाना चाहता था। मैं बेलटेक को मार देना चाहता था पर मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि हीरोज ऐसा नहीं करते थे। मैंने बेलटेक पर दया दिखाई और उसे छोड़ दिया और इस तरह से मैंने उसे जीता। रवोना को मेरी इस दया से प्यार हो गया। मेरा ये स्वभाव ही था जो कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगा पाया और इस तरह मैं जीत गया। लेकिन टाइम ने करवट बदली और मेरी ये जीत बस कुछ पल के लिए ही रही क्योंकि बेलटेक ने मेरी रवोना को मुझसे छीन लिया था। मैं एक बार फिर से रोया और समय एक बार फिर से मुझ पर हंसा। रवोना ने मेरी बाहों में ही आखिरी सांसें ली। उसके आखिरी शब्द थे, माय लॉर्ड, शायद यही हमारी किस्मत है। कैंग रो रहा था, उसने ये शब्द पहले भी सुने थे। कैंग अपने पीछे एक और कैंग को देखता है जो कि नथेनियल को ये सब दिखा रहा होता है। कैंग ने कहा, मैं एक ऐसा विलेन बना जो अपने प्यार को नहीं बचा पाया और मैं एक ऐसा हीरो भी बना जो कि मेरी रवोना को नहीं बचाया। मेरा केज कैंग है। यह सच में बहुत दर्दनाक मंजर था जिसे आप चाहते हो और वो आपके प्यार को ठुकरा दे क्योंकि आपका स्वभाव तानाशाहों की तरह है। फिर तब आप अपने उस स्वभाव को बदलते हो सिर्फ उस शख्स के लिए और वो शख्स भी आपको प्यार करे, लेकिन प्यार करने के लिए वो शख्स ही जिंदा ना रहे, तब तकलीफ 10 गुना बढ़ जाती है। कैंग ने रवोना की बॉडी को दफनाया नहीं बल्कि उसे सेव करके रखा और अगले 50 सालों तक उसे वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की। कैंग ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कॉन्करर बनना है तो कभी प्यार मत करना। मैं टाइम में उन रिपल्स को देख सकता हूँ, इसलिए मैं इस टाइम को ही शैटर करके रख दूंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए रवोना, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें उठना होगा, एक बार नहीं बल्कि हजारों बार, क्योंकि तुम ही मेरी फाइनल कॉन्क्वेस्ट हो। जिसके बाद रवोना की बॉडी ग्लो होने लगती है और कैंग की इन्हीं लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड सच में बहुत दर्द भरा था। आपका तो पता नहीं पर मैंने कैंग के इस पेन को अंदर तक महसूस किया। इसके बाद इस स्टोरी का फाइनल पार्ट बाकी है जिसमें हम आगे की कहानी को जानेंगे। इस स्टोरी में मैंने नथेनियल को कैंग कहकर बुलाया है क्योंकि वो अब नथेनियल से कैंग बन चुका था। अगर आपको ये एपिसोड और मेरा एफर्ट जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें। अब तक हमने देखा नथेनियल एक ऐसे प्लेनेट पर आ चुका था जहां जंग छिड़ी हुई थी और वहीं पर कैंग को एक रवोना मिलती है। पर जब कैंग ने अपने प्यार का इजहार किया तो उसे मिला रिजेक्शन, जिसके बाद कैंग इसे अपनी नियति मानकर अपने कॉन्क्वेस्ट पर चल दिया ताकि वो रवोना को भूल सके। तभी नथेनियल को एक बिगड़ी टाइम मशीन मिलती है जिसको वो ठीक करता है और खुद एक कॉन्करर बनने के सफर पर निकल पड़ता है। नथेनियल अब कैंग बन चुका था, उसने कईयों को हराया और जब वापस से अपने टाइम में आया तो उसे फिर से एक रवोना मिलती है। कैंग एक बार फिर से प्यार के चक्रव्यूह में फंस चुका था। कैंग रवोना को पाना चाहता था, इसलिए उसने रवोना के दिल को जीतने के लिए हीरोज का रास्ता अपनाया, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। कैंग ने रवोना का प्यार तो हासिल कर लिया लेकिन रवोना कैंग के जनरल के द्वारा मार दी जाती है, जिसके बाद कैंग रवोना को एक सेफ्टी ट्यूब में डाल देता है और उसे जिंदा करने की हर कोशिश करता है। तो गाइज, आज हम इस स्टोरी के फिनाले पर आ गए हैं। अगर आप लोग फर्स्ट एपिसोड से ही इस कहानी को देखते आ रहे हैं तो आप इस स्टोरी और कैंग के इमोशन से जुड़ चुके होंगे। और अगर मेरी स्टोरी टेलिंग आपको पसंद आई है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट और वीडियो को लाइक करके भी दे सकते हैं। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
कहानी की शुरुआत कैंग के आवाज से होती है, जिसमें वो कह रहा होता है, आसमान अंधेरा और सर्द है, इसमें कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता, लेकिन हमें जीने के लिए सितारों से रोशनी और गर्मी को खींचना पड़ता है। ये मेरा शहर है जिसका नाम मैंने नेक्रोपोलिस रखा है, और यही वो जगह है जहां तुम जियोगी। तुम्हें मेरे लिए हजारों बार जीना होगा। इतना कहते ही कैंग एक लीवर को डाउन कर देता है, जिससे रोना की बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होने लगती है। तब कैंग ने कहा, इन द स्पेस बिटवीन द स्टार्स। कैंग रोना को अपने ओमनीव्यूअर में देखते हुए सोचता है कि इस समय तक मैं सही मायने में कॉन्करर बन चुका था और मैंने टाइम में महारत हासिल कर ली थी। मैं बुद्धा के कई भिक्षुओं से मिला और शियार के कई प्रीस्ट से मिला, जो मुझे प्यार के बारे में बता सकते थे, मेरी तकलीफ को कम कर सकते थे, पर वो सब नाकाम हुए, क्योंकि कुछ तो था जो कि मेरे अंदर ही था और मुझे उस पर कंट्रोल पाना होगा। मैंने अपने नेक्रोपोलिस की हर एक बिट एनर्जी का यूज किया ताकि मैं किस्मत को खुद से बुन सकूं। मैंने मशीन को इस तरह से बनाया ताकि ये कांस्टेंट रेप्लिकेशन को भी बुन सके। मैंने रवोना रेंसलेयर की सोल के हर एक कण को इस तरह से डिजाइन किया ताकि उसका जन्म इन्फिनाइट टाइमलाइंस में हो सके और मुझे इससे मौके मिलेंगे ताकि मैं उसे हासिल कर सकूं। ये एक जीनियस प्लान था जब तक कि ये शुरू नहीं हुआ था। मैं 1347 में तब रोना के पास पहुंचा जब उस जगह पर प्लेग फैल चुका था। मुझे देखकर वो ऐसे भागी जैसे मैं कोई लुटेरा हूँ और वो प्लेग से मार ही गई। 4000 में रोना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इस बात से मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। 5323 में रवोना शियार की चैंपियन थी, लेकिन मैं उस वक्त रवोना को ट्रैक करके उसके पास पहुंचा जब उसे एक क्री ने मार दिया था। 4998 ये वो साल था जिसे मैं किसी भी कीमत पर भुला नहीं सकता। 31248 में मैंने रवोना को अपने ही एल्डरली वर्जन के पास पाया। मैं अपने ही वर्जन के रवोना के साथ कोई टेम्पोरल पैराडॉक्स क्रिएट नहीं करना चाहता था। 2001 में भी रवोना मुझे नहीं मिली क्योंकि वो मार दी गई। 2920 में रवोना अपोकलिप्स के अगेंस्ट जंग लड़ रही थी और वैसे भी उसे नेथेनियल से प्यार था, मुझसे नहीं। 3423 में मेरी रवोना से इनकाउंटर हुआ और मैं उससे हार गया। 2027 में भी मुझे असफलता ही हासिल हुई। 7634 में ये दुनिया काफ़ी बदली हुई सी थी। मुझे एक मशीन मिली पर वो रवोना थी, एक अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली रवोना। ये सरवाइव कर गई थी। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इसे पा लूँगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस कॉस्मिक रवोना ने कैंग पर हमला कर दिया था। कैंग ने कहा, रवोना ये तुम कैसे कर सकती हो? इस पर रवोना ने कहा, इस ग्रेट मशीन को पता है हर उस शख्स के बारे में जिसने टाइम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है, और तुम्हें तो मैं किसी भी टाइमलाइन में ढूंढ सकती हूँ। यू आर अ मॉन्स्टर। तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुमने अच्छाई का मजाक बनाया। तुमने मुझसे मेरी लाइफ छीन ली। कैंग ने खुद को बचाते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें बचाया है और खुद को भी। तुम फ्लॉलेस हो रवोना, आई लव यू, और इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम टाइम स्ट्रीम के धागों पर लिख दिया। जिस पर रवोना कहती है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पथेटिक नथानियल रिचर्ड। कैंग ने कहा, आह, वेल, तो एक और फेलियर। और इतना कहते ही कैंग अपनी गन से रवोना को भारी मन से मार देता है। कैंग ने कहा, मुझे इस टाइम के बारे में कुछ भी याद नहीं, शायद मैं इसे याद ही नहीं रखना चाहता। मैंने उसे पाने के लिए हर एक प्रयास को कर लिया, लेकिन उसकी आखिरी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उसने मरते हुए भी मुझसे कहा था कि मैंने उसके लाइफ को अपने लिए बर्बाद किया है, इसलिए उसने हर टाइमलाइन में कोशिश की कि वो कैंग को भी ना मिले, और जब वो मुझे मिली तो वो खुद से उसे खुद से छीन ले। पर इन बातों में भी मुझे उसकी स्माइल याद आ रही थी। उसने मेरी हरकतों के लिए मुझसे कहा कि वो रवोना को भी नहीं पा सकेगा, और इतना कहते ही बूम, कॉस्मिक रवोना ने अपनी शक्तियों से खुद को और नेक्रोपोलिस को ब्लास्ट कर दिया था। क्रोनोपोलिस की राख हर जगह फैल चुकी थी। जब मेरा शहर तबाह हुआ तो मैं टाइम में नीचे गिर गया और गिरता रहा। उस पर मैंने सोचा कि क्या मैं सही था? क्या मैंने रवोना को पाने में अपनी सब हद पार कर दी थी? रवोना को पाने के लिए सारे प्रयास विफल रहे थे। मुझे भले ही टाइम पर मास्टरी हासिल थी, लेकिन उस पल में मैंने टाइम का असली मतलब को पहली बार समझा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नथानियल के पास जाऊंगा, और मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया। उसकी आंखें वैसी ही मासूम सी थीं। मुझे अपनी इन आंखों को देखे हुए एक अरसा बीत चुका था। तब हम देखते हैं किड नथानियल को, जिसके पास यंग नथानियल ठीक वैसे पहुंचा था जैसा हमने एपिसोड 1 में देखा था।
मैं नथेनियल को कैंग से बढ़कर देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे भी वही मौका दिया जो उस मॉन्स्टर कैंग ने मुझे दिया था। मैं नथेनियल को अपनी नॉलेज से उसके भविष्य में मिलने वाले ट्रॉमा से बचाना चाहता था। फिर कैंग ने नथेनियल को ठीक उसी तरह से चाटा मारा जैसे यंग नथेनियल जब आदि से मिलकर आया था। मुझे ये करके अच्छा नहीं लगा, लेकिन नथेनियल को ये सब समझना होगा। फिर किड नथेनियल ने कहा कि वो उन्हें बचाकर रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैंने कहा था, और मैंने बिना किसी मर्सी के उस पूरे कबीले को मार दिया। वो वैसे ही कुछ दिन में मरने ही वाले थे। मेरे इस एक्ट ने नथेनियल को मुझसे नफरत करने पर मजबूर किया, लेकिन नथेनियल को अपने क्रूर भविष्य के लिए इन सबको समझना होगा। जब मैं उसके कबीले के लोगों को मारा तो मुझे फिर से रवोना की याद आई। मैंने सोचा क्या मैं रवोना को बचा सकता था, और इसी गम में मैंने खुद को शराब के नशे में डुबो लिया। वो लड़का अब मुझसे नफरत कर रहा था। और फिर वो रात आ गई जब नथेनियल मेरा टाइम सूट चुरा कर भाग गया, ये सोचते हुए कि मेरे पास सिर्फ एक ही टाइम सूट है। भागो नथेनियल, तुम भागो, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है एक कॉन्करर के बनने की। पर मैं नथेनियल रिचर्ड से बढ़कर बनना चाहता हूँ। मैं दुनिया को एक विलेन और एक हीरो के रूप में याद हूँ, लेकिन मैं अब खुद को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मुझसे कैंग ने कहा था, नेवर लव नथेनियल, तुम्हें ये बात को समझना था। अलेक्जेंडर इसलिए नहीं रोया था कि वो दुनिया नहीं जीत सका, अलेक्जेंडर इसलिए रोया था क्योंकि वो खुद को नहीं जीत सका था। लेकिन मैं अलेक्जेंडर नहीं हूँ जिसके बाद उस जगह को एक एस्ट्रॉयड हिट करती है और कैंग वहां से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। आज उस जगह जो मरा था वो नथेनियल रिचर्ड था, और बचकर जो निकला वो है कैंग। और इस तरह से कैंग ने नथेनियल को एक टाइम लूप में फंसा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि कॉन्करर बनना है तो नेवर एवर लव। और कैंग की इन्हीं लाइन के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। ये कहानी बहुत इमोशनल थी, जहां हमने समय पर मास्टरी हासिल करने वाले शख्स को समय से हारते देखा। कैंग ने कितने ही प्रयास किए रवोना को हासिल करने के, पर वो उसे हासिल नहीं कर सका। कैंग को हर टाइम लाइन में रवोना सिर्फ इसलिए ही मिल रही थी क्योंकि कैंग ने फ्यूचर में रवोना की सोल को हर टाइम में फैला दिया था, ताकि वो उसे पाने का हर एक मौके को हासिल कर सके। लेकिन जब कैंग की किस्मत में रवोना नहीं थी तो उसे किसी भी टाइम लाइन में रवोना नहीं मिली, और इसी बात का रियलाइजेशन अब कैंग को हो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि अगर आपको कोई चीज बहुत प्यारी है और आप उसे पाने के हर प्रयास करके भी हार जाते हैं, तो आपको उसे कभी ना कभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पाने का प्रयास ही ना करो। बस आपको बहुत लंबे तक एक ही चीज को हासिल करने में समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में आप अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी और कुछ मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। मैं ऐसे कई एस्पिरेंट्स को जानता हूं जो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 35 से 40 साल के हो चुके हैं और आज भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। पर अगर यही उन्होंने अपने तैयारी स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद रियलाइज कर लिया होता कि शायद वो उस एग्जाम के लिए नहीं है, और खुद को किसी और फील्ड में आजमाने का मौका देते, तो शायद वो खुद को बेहतर साबित कर पाते और शायद वो अपनी ड्रीम जॉब से भी ज्यादा कुछ हासिल कर पाते। मेरी इस बात में बहुत सा कॉन्ट्राडिक्शन है जिस पर लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, और उन्हें मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। पर अच्छी बात यह है कि आप इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि अभी बहुत सी स्टोरीज अपने व्यूअर्स का इंतजार कर रही हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज एंजॉय करें और खुश रहें।